व्हाट्सएप पर एक मैसेज बांट रहा है मौत, बच्चों और युवाओं को बना रहा है शिकार। ये सुसाइड चैलेंज न करने पर धमकाता है, आपके फोन से निजी डेटा चुराता है, फिरौती मांगने में आपके डेटा का इस्तेमाल, धमकी देकर करता है यूजर का बुरा हाल। ऐसे मौत के मैसेज से बच्चों को बचाओ। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स हर दिन सामने आ रहे हैं। ये साइड इफेक्ट नए नए चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं और बच्चों युवाओं की जान के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। अभी दुनिया ब्लू व्हेल जैसी जानलेवा गेम से पूरी तरह उभरी भी नहीं कि सामने आए एक और चैलेंज, मोमो चैलेंज के तौर पर सामने आई ये गेम ब्लू व्हेल का भी बाप है, यानी ब्लू व्हेल से भी खतरनाक। और अब दुनिया भर के माता पिता के सामने एक नया चैलेंज ये कि वो अपने बच्चों को इस गेम से कैसे बचाएं। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा वक्त बिताते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आए अनजान नंबरों को बिना सोचे समझे अपने फोन में सेव ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो ये अननोन नंबर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर के जरिए ही आप जानलेवा गेम मोमो के शिकार बन सकते हैं। मोमो चैलेंज हुआ वायरल। मोमो चैलेंज तेजी से वायरल हो रहा है, ये व्हाट्सएप के जरिए फैल रहा है। कहा जा रहा है कि मोमो जापान से ताल्लुक रखती है और मोमो चैलेंज गेम के लिए जो डरावनी तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है उसे जापानी कलाकार मिदोरी हायाशी ने बनाया था। हालांकि हायाशी का इस गेम से कोई लेना देना नहीं है। अनजान नंबर से आपको चैलेंज मिलते हैं और ये चैलेंज जोखिम भरे होते हैं। मोमो इसे पूरा नहीं करने पर यूजर को डांटती है और सख्त सजा देने की धमकी भी देती है। इससे यूजर डर कर आदेश मानने को मजबूर हो जाता है, वो मोमो की बातों में फंस कर डिप्रेशन में चला जाता है और जान देने को मजबूर हो जाता है। सबसे पहले यूजर को अज्ञात नंबर मिलता है जिसे सेव कर हाय हेलो करने का चैलेंज दिया जाता है, फिर उस अज्ञात नंबर पर बात करने का चैलेंज दिया जाता है। आगे बढ़ते ही अनजान नंबर से यूजर को डरावनी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स आने लगती हैं। यूजर को कुछ काम दिए जाते हैं जिन्हें पूरा नहीं करने पर उसे धमकाया जाता है। धमकी से डरकर यूजर खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। मोमो चैलेंज सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हुए हैं। इस गेम के जरिए अपराधी बच्चों और युवाओं को फंसाते हैं, उनके फोन से निजी जानकारी चुराने के बाद उनके परिजनों को ब्लैकमेल करने और फिरौती मांगने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अननोन नंबर से आपको ऐड किया जा सकता है किसी भी ग्रुप में, जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और ये चैलेंज जो होते हैं फैटल डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं आपको, इतना खतरनाक होता है। तो इस तरह ये मोमो चैलेंज बेसिकली है। मोमो चैलेंज ने बच्चों और युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक अर्जेंटीना में पिछले दिनों 12 साल की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और पुलिस को शक है कि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया। इस मामले में पुलिस 18 साल के उस युवक की तलाश कर रही है जो उस बच्ची के संपर्क में था। अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया और जापान में मोमो का डर दिखना शुरू हो गया है। यहाँ की पुलिस ने लोगों को अपने बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की है। बच्चों का जो स्वभाव है वो है चैलेंज को टक्कर देना, तो मस्ती मजाक में आके वो आपको कहेंगे कि हम ये चैलेंज हमने फोन पे देखा या लैपटॉप पे देखा। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपने मन की सभी बातें खुलकर कह सकते हैं। ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मोमो चैलेंज लेने वालों में ज्यादातर बच्चे और नौजवान हैं। ऐसे में अगर बच्चे सोशल मीडिया, खासतौर से व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा समय दे रहे हैं तो उन पर नजर रखें, उनकी आदतों पर ध्यान दें और किसी भी तरह का जैसे गुमसुम रहना, खाना छोड़ने जैसे बदलाव हो तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। मुंबई से अंकुर त्यागी और अमित कोटेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।